हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज का टॉपिक होने वाला है रिलेटेड टू आईपीएल। आप सबको पता है आईपीएल जो था 29 मार्च से स्टार्ट होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से और इसी सिम्टम्स को देखकर बीसीसीआई और आईपीएल कमेटी ने बोला कि हम 15 से स्टार्ट करेंगे। फिर पांच डेट्स दिए थे, पांच डेट्स में ये था कि आईपीएल जो है 7 मई तक पोस्टपोन हो गया था। 7 मई तक आईपीएल होना था, लेकिन फिर एक न्यूज़ ये आई थी कि आईपीएल जो है 3 वेन्यूज पे खेला जाएगा और आईपीएल का जो डोनेशन होगा कम हो जाएगा। टीम्स को पूल्स में रखा जाएगा और पूल्स में मैचेस करेगी प्ले ऑफ से फाइनल, और 3 वेन्यूज पे खेला जाएगा जिसमें हैदराबाद, चेन्नई और साथ ही साथ बेंगलोर था। लेकिन अब ये न्यूज़ आ रही है क्योंकि इंडिया में कोरोना वायरस दिन ब दिन ज़्यादा होता चाहिए। अराउंड 300+ केसेस इंडिया में रिपोर्ट हो चुके हैं और दुनिया में जितने भी स्पोर्टिंग इवेंट सब कैंसिल हो गए। तो एक बड़ा डिसीजन आया है, ज़रा ये बोल रहे हैं जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी क्रिकेट के यूट्यूब पर चैनल्स हैं, स्पोर्टिंग चैनल्स, खबरों के चैनल, वो ये बोल रहे हैं कि आईपीएल हैज़ बीन पोस्टपोन और आईपीएल इस साल शायद हमें देखने को ना मिले, क्योंकि आईपीएल की एक स्पेसिफिक विंडो होती है। उस विंडो पे अगर आईपीएल ना हुआ तो फिर आगे भी आईपीएल की चांसेस बहुत मुश्किल है। आप सबको पता है कि इसके बाद एशिया कप भी खेला जाएगा, इंडिया की काफ़ी सीरीज भी, इंडिया ने होम भी खेलना है, अवे भी खेलना है, और साथ ही साथ वर्ल्ड कप भी है, और काफ़ी बड़े बड़े इंडिया का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी स्टार्ट होने वाला है, और काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी चाहिएगी। और आईपीएल जो है बहुत बड़ा ड्यूरेशन का टूर्नामेंट होता है, उसमें 2 महीने का गैप होता है, और स्पेसिफिक विंडो आईसीसी ने भी रखी हुई है, इंडिया ने भी रखी हुई है। तो अब न्यूज़ ये आ रही है कि आईपीएल इस साल हमें खेला नहीं जाएगा, और मुश्किल है कि इस साल आईपीएल हो। ये क्रिकेट के लिए अच्छा भी है और क्रिकेट के लिए अच्छा इसलिए भी नहीं, क्योंकि आईपीएल जो है, आईपीएल में अगर फॉरेन प्लेयर्स नहीं होंगे तो आईपीएल का फजूल है, ठीक है। आईपीएल में अगर वो बोलते ना कि बिना खाली एम्प्टी ग्राउंड के मैचेस होंगे तब भी आईपीएल फजूल है। तो जितने भी फॉरेन प्लेयर्स थे, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, नहीं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, ये प्लेयर्स आईपीएल में परफॉर्म नहीं करेंगे अगर आईपीएल इंडिया में होता भी है। तो आईपीएल का गवर्निंग बॉडी ने यही बोला है कि जब तक कोरोना वायरस थम नहीं जाता, रुक नहीं जाता, या इस पर वो क्या होता है, इस पर ब्रेक ही लग जाता, तो हम आईपीएल नहीं कराते। क्योंकि आईपीएल जो है करवाना आसान है, करवाना आसान नहीं, क्योंकि इंडिया के ब्रॉडकास्टर्स भी अपने, इंडिया के बस सब कुछ अपने, आईपीएल कभी भी हो सकता है। अगर वो छोटा टूर्नामेंट होता है, वो बड़ा टूर्नामेंट होता है, तो कभी भी हो सकता है। तो इंडियन बोर्ड ने ही बोला है कि हम आईपीएल को पोस्टपोन करें ड्यू टू जो इमरजेंसी हुई है मुल्क में, दुनिया में, और इससे काफ़ी लोग इफेक्ट हो रहे, इसकी वजह से आईपीएल कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया, और इस साल आईपीएल हमें देखने को नहीं मिलेगा। इस साल आईपीएल का 13वां एडिशन होना था, लेकिन अब 2021 में आईपीएल होगा, और इस साल हमें आईपीएल बिल्कुल नहीं खेलेगा। तो जिससे 8 फ्रेंचाइजी भी काफ़ी इफेक्ट होगी, ब्रॉडकास्टर्स भी इफेक्ट होंगे, और साथ ही साथ बीसीसीआई भी काफ़ी इफेक्ट होगा, क्योंकि आईपीएल में बड़ा पैसा है, हज़ार हज़ार करोड़ का पैसा है। तो आईपीएल इस साल कैंसिल हो गया और इस साल आईपीएल हमें खेलने को नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें कि मैं आप लोग के लिए रोज़ क्रिकेट न्यूज़, क्रिकेट ओपिनियन या कुछ ना कुछ हम लाते रहे इस चैनल पे। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।